पहले एशिया कप और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने बैटिंग और बॉलिंग में अपना टॉप गियर लगा दिया है। इसी की बदौलत दोनों ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के साथ ही भारतीय टीम ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में अपनी नंबर वन की पोजीशन पक्की कर ली है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 से ठीक पहले भारतीय टीम ने अपना दमदार प्रदर्शन किया है। पहले उसने एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया, अब ऑस्ट्रेलियाई टीम को वनडे सीरीज में रौंद दिया है। एशियाई कप और मौजूदा वनडे सीरीज में भारत की बैटिंग और बॉलिंग ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की बैटिंग और बॉलिंग ने अपना टॉप गियर लगा दिया है। यदि यही शानदार प्रदर्शन जारी रहा तो भारतीय टीम अक्टूबर नवंबर में अपने घर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर भी कब्जा जमा सकती है। भारतीय टीम के लिए एक और अच्छी बात सामने आई है, सीरीज का पहला मैच जीतकर टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन बनी थी, मगर सीरीज जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने अपना यह स्थान और भी पक्का कर लिया है। यानी अब वर्ल्ड कप से पहले कोई भी भारतीय टीम को नंबर वन से नहीं हटा पाएगा। भारतीय टीम वर्ल्ड कप में बतौर नंबर वन वनडे टीम भी उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम के वनडे रैंकिंग में 115 रेटिंग पॉइंट थे और वह दूसरे नंबर पर काबिज थी, मगर अब सीरीज जीतने के साथ ही टीम के 117 रेटिंग पॉइंट हो गए हैं। अब पाकिस्तान के 115 रेटिंग पॉइंट है और वह दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरे नंबर पर फिसल गई है। भारतीय टीम के सीरीज हारने के बाद उसे तगड़ा नुकसान हुआ है। उसके कंगारू टीम के 110 रेटिंग पॉइंट है। भारत अभी तीनों फॉर्मेट में नंबर वन टीम है। पुरुष क्रिकेट के इतिहास में यह केवल दूसरा अवसर है जबकि कोई टीम तीनों फॉर्मेट में नंबर वन पर काबिज है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अगस्त 2012 में यह उपलब्धि हासिल की थी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे मैच इंदौर में रविवार 24 सितंबर को खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 99 रनों से जीत हासिल दर्ज की थी। पहला मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम किया था, अब दूसरा मुकाबला भी जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 27 सितंबर को राजकोट में खेला जाएगा। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। पहले बैटिंग के लिए उतरा, फिर भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 399 रनों का बड़ा स्कोर बना डाला। टीम की तरफ से 2 शतक लगे। श्रेयस अय्यर ने 105 और शुभमन गिल ने 104 रनों की धांसू पारी खेली। उनके अलावा सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 72 रन बनाए, जबकि कप्तान केएल राहुल ने 52 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने 2 विकेट लिए। इनके अलावा जोश हेजलवुड, सीन एबॉट और एडम जाम्पा ने 1-1 सफलता हासिल की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।